वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आप ट्यूब रोज के जो प्लांट होते हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं ट्यूब रोज के बल्ब लाई थी, एज आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मेरी शॉपिंग वाली वीडियो में, तो मैं ये 6 बल्ब्स लाई थी। एंड ये देखिए स्प्राउट स्टार्ट हो गए हैं, स्प्राउटेड हैं ये बल्ब्स, देखिए सारे स्प्राउटेड हैं। एंड अभी ये बहुत अच्छा सीज़न है इनको लगाने में, कम से कम ये 2 से 3 महीने में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे अगर हम अभी लगा देते हैं तो। इन प्लांट्स को जो है सनलाइट पसंद होती है, सनलाइट में रहना पसंद होता है। एंड वाटरिंग भी आप कम करिए क्योंकि ये बल्ब वाले प्लांट्स हैं, जैसे आपको पता ही होगा बल्ब वाले प्लांट्स में जो वाटरिंग होती है वो कम करनी होती है। तो अब इसकी सॉइल देख लेते हैं। सॉइल मैंने देखी, वैसे तो मिक्स करके रख ली थी बट आपको बताने के लिए, ये देखिए फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स यहाँ पर लिया है, 25% फर्टिलाइज़र, 25% यह सैंड ली है एंड 50% गार्डन सॉइल ली है। गार्डन सॉइल भी मैंने इसलिए 50% ली है क्योंकि ये जो है इसमें पहले से मैंने जो फर्टिलाइज़र मिक्स करा था, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही जो है और प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्स बनाया था, तो उस वो जो बच गया था मैंने इसमें डाल दिया था इसलिए। एंड इन बेटर होता है कि आप इन प्लांट्स को जो है धूप में रखिए, डायरेक्ट सन में ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं। एंड ये जो है आप सैंड ज़रूर मिलाइए क्योंकि इन प्लांट्स को सैंड ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसी बिल्कुल रफ सी सॉइल अच्छी होती है। आप पेबल्स भी डाल सकते हैं इसकी सॉइल में। तो मैं अभी ये जो सॉइल मिक्स है इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एंड ये जो आपको सॉइल लेनी है इसमें वाटर का जो होल ज़रूर होना चाहिए वाटर के लिए। एंड इस प्लांट्स को आप वाटरिंग भी तभी करिए जब जब ये सॉइल होती है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए ये बल्ब हम ले लेंगे। बल्ब आपको कैसे लेने, जैसे इसमें तो पता चल रहा है कि ये जो स्प्राउटेड है ये ऐसे लगेगा, बट अगर ये स्प्राउटेड नहीं है आपका बल्ब तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो ये राउंड पार्ट होता है ये इस तरह से लगाते हैं, राउंड पार्ट नीचे की तरफ सॉइल में लगाना होता है और ये पॉइंटेड पार्ट होता है जो बल्ब का वो हम ऊपर की तरफ रखते हैं जहाँ से स्प्राउट होता है। एंड आपको इससे भी पता चल जाएगा, जैसे ये देखिए ये आपको इसकी ड्राइड जो ये रूट्स हैं ये नज़र आ रही होंगी। तो अब इन्हें हम लगा देंगे। तो मैं इस पॉट में, देखिए पॉट के हिसाब से आप लगाइए आपका कितना बड़ा पॉट है, मेरा 6 इंचेस का है तो मैं 2 बल्ब लगा रही हूँ। मीडियम अगर आप ले रहे हैं पॉट तो उसमें आप 3 लगा सकते हैं। एंड बड़ा ले रहे हैं, लार्ज साइज़ का ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा बल्ब लगाइए, 4 से 5 लगाइए। एंड क्योंकि बल्ब्स होते हैं तो ये डिवाइड भी होते रहते हैं तो आप इसलिए थोड़े कम बल्ब्स लगाइए अगर आप छोटे में लगा रहे हैं। तो मैं इसमें 2 लगा रही हूँ एंड मैं छोटे वाले 2 लगा रही हूँ, अगर आप बड़े लगा रहे हैं तो 1 से भी काम चल जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसको लगा देती हूँ नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से होल करके हम इसको रख देंगे एंड दबा देंगे इस तरह से सॉइल को, बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। 2-10 दिन में ये बहुत अच्छे से ग्रो भी होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ये सेट होंगे। एंड फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ये। बल्ब जो हैं आपको इसके सीज़न में मिल जाएंगे इस सीज़न में। एंड अगर ये देखिए बल्ब्स ग्रो हो जाते हैं तो फ्लावर्स तो देखिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेनी सीज़न में एंड स्प्रिंग सीज़न में आते हैं। उसके अलावा समर्स में भी अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर सही रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो वहाँ पे आराम से फ्लावर्स करेंगे ये। एंड वरना इसका प्लांट हमेशा रहता है तो आप इससे बल्ब्स निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे। देखिए अब इसको अच्छे से वाटरिंग करके हम एक थोड़ी शेड वाली जगह पर रख देंगे जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते, फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सन में। इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप रख सकते हैं, आप टेरेस पर रख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो होगा टेरेस पर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।